हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज भी आपको दोस्तों फुल रिपेयरिंग सिखाने वाला हूं। हर पार्ट के रिलेटेड दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे जैक लगाना हुआ या बाकी चीज़ें हुई। तो ये दोस्तों 1 घंटे का कोर्स है। अगर आप ये इसके अलावा भी कोई चीज़ सीखना चाहोगे तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जो भी पर्सन नया है रिपेयरिंग के अंदर, उसको मैं बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ, जैक के रिलेटेड हुआ या बाकी चीज़ें होती हैं रिपेयरिंग में। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट पूरी डिटेल में दिखाऊंगा कैसे की जाती है रिपेयरिंग, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें रिपेयरिंग में जो टूल किट चाहिए होती है दोस्तों, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक स्क्रू ड्राइवर की, ठीक है दोस्तों? उसके बाद एक ट्वीज़र की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है? उसके बाद ये आ गया कटर दोस्तों, ये कट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें। और उसके बाद दोस्तों ज़रूरत पड़ती है हमें, यानी स्क्रू ड्राइवर बहुत सारे किस्म होते हैं, जैसे ये वाला जो स्क्रू ड्राइवर ये आईफोन खोलने के काम आता है, और ये वाले इस वाले स्टार, इसको बोलते हैं हम स्टार। तो इससे दोस्तों हम करते हैं जो फ़ोन के रिलेटेड जो होता है दोस्तों, यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन को खोलने के लिए काम आता है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये मैंने इसके लिए ये वाला भी रखा है, ये ऑटो रोटेशन वाला, ये जो होता है ये वाला, ये ऑटो रोटेशन के लिए लगता है हमें। तो ऑटोमेटिक पेज खोलते हैं इससे और पेज बंद भी करते हैं दोस्तों, तो ठीक है ना? फिलहाल ये चीज़ें मैं रखता हूँ साइड, ठीक है दोस्तों? और एक ब्रश चाहिए होता है सफाई करने के लिए, जैसे ये वाला मेरे पास ब्रश है, मैं डबल साइड यूज़ करता हूँ। ये आ गया नरम वाला साइड इसका, ठीक है ना? ये आ गया नरम वाला साइड इसका, ठीक। उसके बाद ये वाला हार्ड वाला साइड हो गया। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो दोस्तों, वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लेंगे, इतनी उम्मीद है मुझे दोस्तों। तो उसके बाद हमें चाहिए होती है दोस्तों एक पेस्ट, ठीक है ना? ये होगी सोल्डरिंग के लिए हमें लगती है दोस्तों ये वाली, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ वेल सोलो वालों की। ये जो होती है एडवांस क्वालिटी पेस्ट फ्लेक्स होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये आती है दोस्तों ये वाली, ठीक है ना? तो ये भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है रिपेयरिंग के रिलेटेड। और उसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है वो है हमें आयरन, है दोस्तों आयरन। इस क्वालिटी का मैं यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये वाला आयरन है दोस्तों, ठीक है ना? तो इसका मैं बता रहा था दोस्तों आपको, ये जो है ये मेरे पास है, ये जो आयरन है ये सबसे मार्केट के अंदर सबसे साफ़ वाली आयरन आती है, ठीक है ना? क्योंकि इसको हम ये देखें दोस्तों, ये बिट इसकी जो होती है लाइफ टाइम के लिए होती है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम हमें आती नहीं है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये वाली इसकी आयरन होती है आगे से, ठीक है ना? तो ये सबसे बेस्ट आयरन है मार्केट के अंदर दोस्तों। ये आप, मैं सजेस्ट करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यही यूज़ करो, ठीक है दोस्तों? तो इसके बाद जो हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये हो गया, अभी ये भी मैं साइड रख देता हूँ फिलहाल। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों सोल्डरिंग वायर की, ठीक है ना? जिसको ये वाली सोल्डरिंग वायर होती है दोस्तों, ये देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये जो वायर होती है ये होगी सोल्डरिंग करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत आती है, ठीक है ना? तो ये भी बड़े काम की चीज़ है दोस्तों। और इसके बाद जो ज़रूरत पड़ती है हमें दोस्तों, सबसे जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन आइटम दोस्तों, उसके बाद ज़रूरत पड़ जाती है हमें इसकी। आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे दोस्तों, ये वाला जो आइटम है ये बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया आइटम है, ये वाला आइटम बहुत ही बढ़िया रहता है। ये हमें लगता है सोल्डर जहाँ पे हम करके रखते हैं, मतलब जिस जगह हमने सोल्डरिंग कर दी वहाँ से डिसोल्डर करने के लिए हमें ज़रूरत आती है। ये भी कैसे की जाती है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा, ये बड़े काम की चीज़ है दोस्तों। इससे हमें शॉर्ट जो होते हैं, मान लीजिए कहीं प्रिंट होते हैं जुड़े हुए, तो वहाँ पर शॉर्ट निकालने के बड़ा काम आता है, ठीक है ना? फिलहाल इसको भी करता हूँ मैं साइड में। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, ठीक है दोस्तों? ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला, इसको हम प्रेशर यहाँ से, ये बाल होता है एक दोस्तों, इससे हम करते हैं, ये रिलायफ वालों का है। इससे हम डस्ट वगैरह कहीं से क्लीन करना चाहते हैं, जैसे कैमरा से डस्ट निकालना चाहते हैं या बाकी किसी चीज़ से, तो ये बड़े काम आता है उसमें। और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है हमें, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है दोस्तों यहाँ पर जंपरिंग वायर की। जंपरिंग वायर कहाँ पर लगती है उसके रिलेटेड मैं दिखाऊँगा, ये भी बड़े काम की चीज़ है दोस्तों। ये आगे जंपरिंग वायर हमें, आप देख सकते हैं, ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये आगे जंपरिंग वायर दोस्तों, ये वाली, ठीक है ना? आप गौर से देखिएगा दोस्तों, ये वाली होती है जंपरिंग वायर, ठीक है दोस्तों? ये वाली, तो ये भी बहुत काम आती है, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कैसे काम आती है। और इसके बाद दोस्तों ये आ गया दोस्तों आईसीयू के लिए, ये लगता है आईसीयू पे, ठीक है ना?
ये वाली चीज़ है आईसीयू के लिए, ये आईसी पे कैसे काम करता है वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको निकाल के दिखा देता हूँ क्या चीज़ है ये। ये वाला है दोस्तों, एक सेकंड में पूरा आप, ये लिक्विड होता है दोस्तों, ये लिक्विड होता है। लिक्विड किस चीज़ का लिक्विड होता है ये मैं दिखाता हूँ, पहले आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला लिक्विड है दोस्तों, ठीक है ना, ये वाला तो ये होता है मेटल लिक्विड दोस्तों, यानी ये सोल्डरिंग जहाँ पे हम करते हैं, जहाँ पे सोल्डरिंग हमें नहीं होती है, जैसे आईसीयू का काम कर रहा है कोई बंदा, आईसीयू कैसे रिबाल करने में, जब हम आईसी को रिबाल करते हैं उसमें बड़ी हेल्प करता है दोस्तों ये। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है ना। और उसके बाद एक और पेस्ट आती है दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाली पेस्ट है, ठीक है जी, ये वाली पेस्ट होगी, ये भी हमें काम आती है जैक वगैरह लगाने के, या बाकी कहीं पेस्टिंग सफाई करने के काम आती है दोस्तों। ये वाले आप देखते हैं UV50 वालों की आती है, ठीक है ना। ये बेसिक टूल मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्या क्या टूल लगते हैं। तो इसके बाद जो चीज़ आती है हमें होता है ये वाला सिस्टम, ये आप आवाज़ सुन पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ये हीट गन होती है दोस्तों ये वाली। तो ये आती है कोई भी चीज़ जैक उठाने के काम आती है, जब हम कोई चीज़ हीट दे के उठाते हैं तो उसमें बड़ा काम आती है हमें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हीट गन SMD स्टेशन इसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ क्लोज, और इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा एक इसमें, अब मेरे पास एक वीवो का मोबाइल आया था, तो जैक के रिलेटेड मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँगा दोस्तों ये SMD कैसे काम करती है। तो ये हमारे पास जैक है, ठीक है, ये वाला जैक है, जैक का काम सबसे पहले मैं आपको सिखाऊँगा कैसे लगाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही गौर से देखिएगा, ये है फ़ोन का जैक, ये वाला, ये फ़ोन का जैक है दोस्तों, ये है फ़ोन का वाइब्रेटर, ये है वीवो Y12S की स्ट्रिप दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला है इसका जैक, ये वाला इसका वाइब्रेटर, और यहाँ पे ये होता है हेडफोन, ये अंदर से कैसा देख सकते हैं। और ये वाला इसका दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है ये आप देख सकते हैं, ये माइक हो गया इसका, और यहाँ पर ये नेटवर्क के लिए दिए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं कैसे। और यहाँ पे होता है स्पीकर के कनेक्शन, यहाँ पे आके लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हीट गन कैसे काम करती है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने रखनी है हीट गन इसके ऊपर दोस्तों, क्योंकि इसको हीट आपने यहाँ पे देनी है सिर्फ, ठीक है ना, इस जगह जैक के पीछे की तरफ। तो मैं इसको यहाँ पर हीट दूँगा और जैक उखाड़ लूँगा इसका, ठीक है दोस्तों। आप गौर से देखिएगा, ये चीज़ मिस मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो साइड से थोड़ी थोड़ी हीट दे दें साइड से, ताकि जैक को कोई नुकसान बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, जैक इसका निकल के बाहर हो गया। तो देख ले कितना इजी होता है, बिल्कुल आसान होता है जैक निकालना इसका दोस्तों, मतलब कभी आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा इसको, स्ट्रिप को ये देखें दोस्तों, ये होगी स्ट्रिप इसकी। तो यहाँ पर इसके ये प्रिंट हैं दोस्तों, ये वाले, ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, ये प्रिंट होते हैं इसके, ये वाले प्रिंट होते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हम करेंगे अब सोल्डरिंग। सोल्डरिंग कैसे करेंगे, वही काविया यूज़ करेंगे जो मैंने लगा के रखा है अभी दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैंने यूज़ की हुई ऑलरेडी पेस्ट रखी है, कौन सी वाली, जिससे हम क्लीन करते हैं दोस्तों, ये इसमें थोड़ी सी लगाई पहले, और यहाँ पर थोड़ा पहले इसको सफाई कर देनी है। अभी तो इसको सोल्डरिंग ठीक ठाक है, तो ये इसको खाली सफाई करने से सोल्डरिंग बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर बाय द वे आपको ज़रूरत पड़ती है किसी सोल्डरिंग लगाने की, तो सोल्डरिंग कैसे करनी है, सबसे पहले यहाँ पे आपने ये करना है, और उसके बाद यहाँ से ये देख रहे हैं दोस्तों ये वायर, तो ये वायर के ऊपर थोड़ा सा ये काविया लगा देना है, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह आके आपने क्या करना है, सोल्डर करना है, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ज़रूरत है सोल्डर की, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैक अगर होगा, जैक, तो जैक ये देख रहे हैं इसके प्रिंटिंग ये वाले दोस्तों, तो यहाँ पर अभी सोल्डरिंग नहीं लग रही है मुझे, तो मैं इसको इस साइड से भी सोल्डरिंग कर देता हूँ। इसके लिए भी मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाली पेस्ट, ठीक है, ये वाली पेस्ट उठानी है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी देख सर देख रहे हैं आप, ये शॉर्ट हो रहा था, लेकिन शॉर्ट मैंने इसका निकाल दिया है, ठीक है दोस्तों। आप गौर से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बेस्ट वे है। अब सोल्डरिंग होगी, अब हमने वापस इसको लगाना है बड़े आसान तरीके से। तो ये आ गया हमारा वापस से वही स्ट्रिप, ठीक है जी। और इसके बाद हम रखते हैं जैक को इसके ऊपर, जहाँ पे हमें ज़रूरत
मतलब इसको लगाने की ज़रूरत है। ये चारों के चार लेग्स होते हैं इसके, जो ये चारों के चार लेग्स अपनी जगह रखने हैं, और इसके बाद हमें देनी है इसको हीट। तो हीट कैसे देनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस टाइम जब आप जैक लगाते हो, इस टाइम आपको ख्याल रखना है दोस्तों कि हीट आपको कहीं गलत नहीं लगानी है, क्योंकि गलत लगी तो जैक जो होता है वो अंदर से इसको मेल्ट हो जाता है। ये चार्जिंग पॉट मेल्ट हो गया तो हमें बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों आपको इस साइड से हीट देनी है, ऐसे ऐसे रख के हीट देनी है इसको, ताकि इक्वलिटी से ये इसके ऊपर अंदर बैठ भी जाए, ठीक है जी। और आपने इधर उधर थोड़ा ख्याल भी रखना है कि माइक सेक्टर, ये माइक सेक्टर इसकी तरफ हीट नहीं जानी चाहिए, ठीक है जी दोस्तों। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल हीट दे रहा हूँ, और बड़े गौर से देखिएगा वीडियो, स्किप मत करना दोस्तों वीडियो को, ठीक है जी, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से बड़े बारीकी से देखिएगा। इधर उधर जाता है जैक, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको ख्याल रख के आप देनी है हीट क्लोज करके। ये एक तरफ से बैठ गया है, अब दूसरी तरफ इसी तरह हीट देनी है, ये दोनों तरफ से बैठ गया। अब पीछे की तरफ जहाँ पे इसकी जो प्रिंट्स है वहाँ पे देनी है हीट आपने, ये प्रिंट भी अच्छी तरह से बैठ गया। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना जब तक ये ठंडा होता है, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये वापस ऊपर की तरफ निकल आएगा। तो बड़ी आसानी के साथ मैंने लगा दिया इसका जैक दोस्त, आप देख रहे हैं, ये हो गया एक किस्म का जैक इसका, ठीक है दोस्तों। अब इसको कहीं पे शॉर्ट आता है, आपको देखें, अगर आपको कहीं पे इसका शॉर्ट आता है दोस्तों, उस सूरत में आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इधर यहाँ पे शॉर्ट था, मैंने इस तरह निकाल दिया ट्वीज़र के साथ ऐसे करके, ठीक है। मुझे कोई कोई जैक होता है जिसको सोल्डरिंग करने की बाद में भी ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों, तो उसको कैसे सोल्डरिंग करनी है, पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, ये यहाँ से इसको यूज़ करना है फिर से, और इसको ऊपर से आके आपने हमने क्या करना है दोस्तों, ये लगाना है काविया, ठीक है जी। ऐसे आपने काविया लगाना है आके, और ये प्रिंट आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो ये हमारा जैक हो गया रेडी। अब ये जो है, ये वाला जो होता है दोस्तों, कौन सा वाला, ये, अब ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम वाइब्रेटर, जो फ़ोन में वाइब्रेशन का काम करता है। इसको निकालने के लिए बिल्कुल इजी सिस्टम है ये, कि यहाँ से हम काव्य को इसमें लगाएंगे फिर से, और इधर इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे दोस्तों, ऐसे, और इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, अभी इसको थोड़ा सा खींचना है अपनी तरफ, और ऐसे इसको ट्वीज़र ऊपर से लगाना है ये काव्य। तो ये मेरा थोड़ा सा जो आयरन है दोस्तों, ये अभी ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल अलग हो गया दोस्तों, आपने देखा ये बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वापस लगाना है, फिर से ऐसे सोल्डरिंग करनी है, और यहाँ पे अपनी जगह पे लेके जाना है इसको फिर से, ठीक है ना, और ऐसे अपनी जगह पे ले जाके इसको वापस सोल्डर कर देना है। अब ये वापस से जुड़ गया दोस्तों, है आसान करी। तो बिल्कुल ईजी मेथड से मैंने आपको दिखा दिया। तो अब ये वाला होता है माइक, ये मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगा दोस्तों माइक के रिलेटेड, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ये आगे एक स्ट्रिप के बारे में दोस्तों। अब मैं कोई और फ़ोन उठाता हूँ, जैसे छोटे फ़ोन्स के रिलेटेड मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये मेरे पास आया एक छोटा फ़ोन, सबसे पहले मैं थोड़ी सी सफाई कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये आ गया दोस्तों इसका, मैं फ़िलहाल ये रखिए दोस्तों, ये लिक्विड होता है सफाई करने के लिए, ठीक है जी। मैं थोड़ी पहले इसको सफाई कर देता हूँ यहाँ पर, ये होगी सफाई कंप्लीट। अब जैसे कि ये फ़ोन मेरे पास आया है कस्टमर एक का, ठीक है जी, ये वाला फ़ोन। अब इसको प्रॉब्लम क्या है वो देखिएगा दोस्तों, इसको है डिस्प्ले टूटा हुआ, ठीक है जी। अब डिस्प्ले जो टूटा है, कस्टमर ने बोला कि डिस्प्ले इसको नया डालना है। अब मैंने कस्टमर को बोला कि इसको 350 रुपये का डिस्प्ले लगेगा। अब जो खरीद आते हैं हमें 300 रुपये का आता है, 50 रुपये तो कमाना होता है मार्केट के अंदर, आपको पता है। तो क्योंकि आज कंपटीशन का वक्त है, इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों काम करने में, तो इसलिए मैंने क्या किया, कस्टमर को बोला मैंने 350 रुपये लगेगा। अब इसका हमें डिस्प्ले चेंज करना है, वो कैसे किया जाता है, सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको फ़ोन को उल्टा करना है। सबसे पहले आपने इसको ये उठा दिया, ये रखो साइड में, बैटरी निकाल दो, ये निकाल दी बैटरी। अब आती है पेचों की बारी इसकी, ठीक है दोस्तों। ये मैंने ऑटो वाला जो रखा है, इससे मैं पेच खोलता हूँ, ये वाला,
ऊपर वाला पेज खोलने के लिए, नीचे वाला बंद करने के लिए आपको मार्केट में 1500 से 2000 के दरमियान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब मैंने लाया था बड़ा महंगा लाया था, 5000 रुपये उस वक्त इसकी प्राइस थी, तो मुझे 4 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, ठीक है दोस्तों, 4 साल का एक्सपीरियंस भी है। अब देखें, सबसे पहले आपने ये पेज 2, 3, 4, 5 और 6 ये पेज इसके खोल देने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको पेजों को खोलता हूँ सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो ये पेज इसका एक निकल आया है, देख सकते हैं आप, तो ये मैं रखता हूँ इसमें फ़िलहाल, और इसके बाद दूसरा पेज ये खोलता हूँ। ये पेज खोल दिए दोस्तों, जब तक मैं इसके पेज खोलता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। कोई भी अदर पर्सन अगर वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग के बेसिक्स जो सीखना चाहता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, और मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं जल्दी फेसबुक पेज पे भी इसके रिलेटेड सिखाने वाला हूँ। मेरा फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा उसकी, उस पर फॉलो भी कर लें दोस्तों। ये वीडियो पहले ही बता दूँ दोस्तों, ये एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है दोस्तों, जो एक्सपर्ट हैं इसमें उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा अपने व्यूज़ लेने के लिए कि आप इस वीडियो को देखें अगर आप एक्सपर्ट भी हैं, उनके लिए नहीं है दोस्तों ये वीडियो। आप देख सकते हैं फ़ोन अंदर से ऐसा होता है, ठीक है जी, मतलब साइड से कैसे ग्रिप खुलती है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब देखें फ़ोन अंदर से ऐसे निकलेगा आपको, आपने क्या करना है, ट्वीज़र यूज़ करना है। यहाँ से आपने पहले देखना है पीछे कहीं सिम कार्ड या चिप ना हो, ये पहले आपने निकाल देनी है, क्योंकि अगर सिम इसमें पड़ी रहेगी बड़ी वाली तो खोलने में हमें दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक हाथ यहाँ पर रखना है, उंगली एक, और दूसरी जगह यहाँ पर इसको आपने क्या करना है, प्रेस करना है। तो यहाँ से इसको निकालना है, प्रेस, ऐसे निकल आया दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद आपने डिस्प्ले को थोड़ा सा ऊपर उखाड़ना है, ऐसे ऐसे ट्वीज़र डाल के पीछे की तरफ, ताकि अगर सही सलामत डिस्प्ले होती है उसको ऐसे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि उसमें डिस्प्ले टूट भी सकती है। अब आपने इसको उठाने की कोशिश करनी है, इसमें देखनी है गैप कहीं जगह आपको दिखती होगी, अगर ये वाले गैप आपने ढूंढने हैं, यहाँ पर आपको ट्वीज़र लगा के इसको बाहर निकालने की कोशिश करनी है दोस्तों। इस तरह हर साइड से इसको कोशिश करनी है कि निकल आया हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको डाल के देखता हूँ, ये देखें, ये निकाल दिया मैंने इसका फ़िलहाल, ये निकल आया दोस्तों, ठीक है जी, ये निकल आया, ठीक। अब इसके बाद आपको ये जो स्पीकर है इसको नीचे की तरफ प्रेस करके ऊपर निकाल देना है। अब हो गई ये चीज़ भी बाहर आ गई, अब ये फ़ोन हमें पूरा का पूरा बाहर आ चुका है। अब ये वाला फ़ोन मैं कर देता हूँ साइड में, ठीक है जी। हमें ये वाली है इसकी डिस्प्ले, ये होते हैं बबल। अब इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप कोई डिस्प्ले लगाते हैं या जैक लगाते हैं इस फ़ोन का, जैसे ये वाला जैक होता है इसका, ठीक है, ये वाला जैक है, यहाँ पे ये कनेक्टर है मोबाइल का, और ये आ गई नेटवर्क ट्रॉली, ठीक है दोस्तों। अब जब भी आप किसी फ़ोन का यहाँ पे डिस्प्ले या फिर जैक या फिर कोई और चीज़ लगाते हैं, तो सबसे पहले ये वाला रिबन आप उठा दें, क्योंकि जब फ़ोन को हीट लगती है दोस्तों तो उसमें ये मेल्ट हो जाते हैं, फिर आपको बड़ी बड़ी दिक्कत आने वाली है, इसलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऐसे करके उठा लें आप। अब ये वापस कैसे लगते हैं सही परफेक्टली वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। ये वाला आप देख सकते हैं, ये मोबाइल है, ये डिस्प्ले है इसका। अब डिस्प्ले को ऐसे उल्टा कर देना है आपने, इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, ये वाला होता है ब्लूटूथ के रेंज के लिए, ठीक है, और यहाँ पर होती है टारच। बड़ा आसान होता है दोस्तों फ़ोन रिपेयर करना, ये टारच का है, ये प्लस माइनस होता है, जैसे ये रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है, ये हो गया स्पीकर के लिए। और ये माइक भी इसी तरह होता है दोस्तों, प्लस माइनस बड़ा आसान होता है लगाना इसको, कई चीज़ें टफ होती हैं कई चीज़ें आसान होती हैं, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ वीडियो में सारा कुछ। तो आपने सबसे पहले ये वाली ब्लैक शीट जो है, ये वाली आपको ये उठा देनी है, क्योंकि आपको डिस्प्ले लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये पत्ता आप देख रहे हैं, ये वाला ये कैमरे का पत्ता होता है, तो इसको बड़े ख्याल से उठाना होता है। मैं फ़िलहाल इसको भी रख देता हूँ साइड पर, और अब डिस्प्ले जो है ये आपको कैसे उठानी है ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि काविये से कभी कोशिश मत कीजिए उठाने की, काफ़ी में आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं यही पेस्ट यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों, ये पेस्ट मैंने थोड़ी सी उठाई इसमें से, ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं ये वाली पेस्ट, मैं फोकस करके दिखाता हूँ आप, ये वाली पेस्ट है दोस्तों ये, ठीक है जी। अब ये आपने लगा देनी है इसके ऊपर, थोड़ा सा इसको ऐसे लगा देना है, ताकि जब आप हीट दो तो फ़ोन की जो ये जो बोर्ड होता है दोस्तों, ये कॉपर का होता है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सप्लाई होती है उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे रखा फ़ोन को और इस डिस्प्ले को थोड़ा ऊपर की तरफ पकड़ा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने हीट देनी एक तरफ शुरू करनी है, ये देख सकते हैं आप मेल्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना,
वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैमरे की परेशानी है दोस्तों। मैं मोबाइल फ़ोन से शूट करके बनाता हूँ वीडियो दोस्तों, इसलिए थोड़ी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। आज दूसरा पर्सन मुझे नहीं आया था, इस वजह से मैं वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जो सीखने वाला बंदा होगा दोस्तों, उसको क्वालिटी नहीं बल्कि वो गौर से देखेगा कि भाई मुझे सीखना क्या है इसमें, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता निकालते 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 मैंने ये इसका डिस्प्ले रिमूव कर लिया। और इसमें इसलिए मैं आपको कहता हूँ हेड देखिए, आप इसको खींच के भी निकाल सकते हो, लेकिन खींच के जब निकालोगे दोस्तों, ये होते हैं मोबाइल के प्रिंट, जहाँ पे ये डिस्प्ले लगती है। ये प्रिंट अगर उखड़ गए ना दोस्तों, फिर डिस्प्ले आप नया नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आपको मैं डिस्प्ले की हालत दिखाता हूँ, ये देखें डिस्प्ले पूरा अंदर से ब्रेक है दोस्तों। इसको कर देते हैं हम साइड में, और अब मैं इसको दोस्तों थोड़ी सी यही वाली चीज़ जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये वाला जो आपको काव्य के साथ थोड़ा थोड़ा इसको पानी लगाना है, कौन सा वाला, ये पेस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों सफाई के लिए, ठीक है ना। आपको काव्य से बिल्कुल कहीं शॉर्ट कहीं अप डाउन ना हो, इसके लिए काव्य आपको जो आयरन होता है उसको अच्छे से इसको यहाँ पे सोल्डर कर देना है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसकी डिस्प्ले निकाल के दिखाता हूँ। डिस्प्ले का हमेशा ख्याल रखिए दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत सारे डिस्प्ले रखूँगा, जैसा कि ये वाला डिस्प्ले है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये सभी डिस्प्ले मेरे पास, मैं फ़िलहाल थोड़े से दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये आपको गिनने हैं प्रिंट कितने हैं। तो जब आप पहला डिस्प्ले निकालते हो, उस पर लिखा होता है कितने प्रिंट हैं, तो यहाँ पे भी लिखा है दोस्तों। यहाँ पे इसको डिस्प्ले लगता है मीडियम वाला और 37 पिन, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 37 पिन लिखा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये लिखा दोस्तों, ये 37 पिन है। और ऐसे ही मैं आपको डिस्प्ले के 37 पिन वाले ढूंढने, ये डिस्प्ले तो इसको लग नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये साइड है, एक तो इक्वलिटी नहीं है, साइज़ बराबर है डिस्प्ले का लेकिन ये लगेगा नहीं। ये कर देता हूँ मैं साइड में, और इसके बाद ये वाला डिस्प्ले की बारी आती है। तो इसको प्रिंट देखने ऊपर की तरफ, ये देखें, ये 37 तो हो नहीं सकते दोस्तों। ये है कितने पिन, ये है दोस्तों 16 पिन डिस्प्ले, ये इसको आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 37। और ये तो हो गए स्मॉल वाला डिस्प्ले, ये 14 पिन 16 पिन होते हैं दोस्तों, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद आता है ये वाला डिस्प्ले, ये भी है 16 पिन लेकिन मीडियम है, इसके साइज़ का बराबर है लेकिन लगेगा नहीं दोस्तों। और इसके बाद आता है ये वाला डिस्प्ले दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये है 37, यहाँ पर लिखा होता है। और वर्जन का भी यहाँ आपको हमेशा ख्याल रखना है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 37 पिन है, ठीक है दोस्तों, ये 37 पिन है दोस्तों, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 37 पिन डिस्प्ले है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लगाना कैसे, दो मिनट आप वेट करें दोस्तों, एक सेकंड। तो ये दोस्तों, ये जो ये वाला डिस्प्ले है, ये 37 पिन है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये जो प्रिंट है इसके, ये वाले प्रिंट ये देख रहे हैं आप, ये वाले प्रिंट आपको इनको सोल्डरिंग अच्छे से कर लेनी है। सोल्डरिंग करने के लिए आपको पहले ये यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये वाला सिस्टम जो है, ये आपको उठाना है। सबसे पहले आपने डिस्प्ले के ऊपर थोड़ा सा ये लगा लेना है, ये लग गया जब, उसके बाद आपको थोड़ी सी ये वाली लगानी है, ये सोल्डरिंग वायर, ये लगाई, उसके बाद आपको डिस्प्ले के ऊपर ऐसे लगा देना है, तो बड़ा आसानी से हो जाता है सोल्डर, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा फिर उठा लीजिए ये वाला, फिर थोड़ा सा लगा दीजिए, ये दोनों साइड से बराबर करनी होती है दोस्तों। इसके धुएं से बचना दोस्तों, इसका धुआं बड़ा खतरनाक होता है, आपको दूसरी साइड भी ऐसे ही करनी है। फिर मेरे को इसमें सोल्डरिंग ऑलरेडी लगी हुई है, तो मैं खाली ये वाटर ये वाला लगा देता हूँ इसको पेस्ट, ताकि उससे सोल्डरिंग अच्छे से इसकी चिपक जाए, ठीक है जी। ये देख सकते हैं, ये वाला साइड तो बहुत मस्ट होता है दोस्तों सोल्डरिंग के लिए, क्यों, क्योंकि यही फ़ोन के ऊपर जाके लगता है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसको कर दो साइड पे, आप देख लें ये होगी इसकी सोल्डरिंग, अच्छे से देख लें भाई, ये पहले गोल्डन मतलब गोल्डन सिस्टम में था, अब ये हो गया है बिल्कुल शुद्ध सिल्वर, ये देख सकते हैं दोनों साइड से। अब ये जो होता है, ये इसका पॉलिशन होता है, क्योंकि ये इसको जब हम लगाते हैं तब उसके बाद ही उठाते हैं ये वाला सिस्टम। अब मैं इसको दोस्तों कैसे लगाना है ये आपको देखना है बड़े गौर से, आप मत ऐसे सीधा लगा दो, इसको सीधा नहीं लगाना होता है, इसको फ़ोन को रखिए ऐसे
और डिस्प्ले को करिए उल्टा ऐसे, ठीक है। और इसके बाद इसको यहाँ पे ले जाइए और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, हाफ़ स्क्रीन। हाफ मीन्स आपको ध्यान रखना है ये जो ये लेयर है ये पूरी की पूरी इसकी सीध में नहीं बैठानी है, बल्कि थोड़ी सी ये जो डिस्प्ले का पत्ता है थोड़ा सा इसको पीछे रखना है, थोड़ा सा मतलब पीछे की तरफ रखना है। पहले आपको बराबर करना है प्रिंट दोस्तों एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप गौर से देखिएगा दोस्तों वीडियो को, अभी देखने लायक है दोस्तों, सीखने लायक तो अभी है असली। तो ये वाला मैंने कर दिया बराबर इसको दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको अच्छे से दिखना चाहिए, समझ नहीं आया तो क्या फ़ायदा फिर। यह आपको कर देना है बराबर, थोड़ी सी जगह रखनी है जो मोबाइल के प्रिंट है वो सामने दिखने चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, काविये पे थोड़ा सा वो पेस्ट लगा देनी है और ये बराबर करके आपको यहाँ पे सोल्डरिंग करनी स्टार्ट कर देनी है, एक साइड से शुरू करनी है दोस्तों। इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ दोस्तों एक दूसरे प्रिंट पे अगर लग गया तो उसमें फिर आपका नुकसान है दोस्तों, क्योंकि उसमें शॉर्ट कर देगा, फिर दोबारा डिस्प्ले उठाना है और नए डिस्प्ले को उठाते वक्त कभी डैमेज भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए आप लोग। ऐसे सोल्डरिंग एक एक प्रिंट को अलग से काविये के साथ हमने सोल्डरिंग करनी है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ये आपने अच्छे से देखना है कि मैंने सोल्डरिंग अच्छे से कर दी है। उसके बाद ये आपने फिर से दोबारा रिपीट करना, यही पहले एक साइड से शुरू करिए फिर दूसरे साइड तक, अच्छे से बीच में शॉर्ट कोई भी आना नहीं चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं बीच में मुझे एक ज़रा भी शॉर्ट नहीं है दोस्तों, ये देखिए एक ज़रा भी शॉर्ट नहीं है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको लिक्विड लगाना है, सफाई के लिए थोड़ा सा लिक्विड लगा दें। ये वाला मैंने लिक्विड इसको डाल दिया और उसके बाद ब्रश उठाएँ, वही वाला जो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, ये वाला ब्रश, जैसे ऐसा वाला भी आप टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जो दांतों को लगाते हैं, मैं तो ये प्रोफेशनल ब्रश यूज़ करता हूँ। अब आप इसको सफाई कर दें और उसके बाद सबसे पहले आप बंद मत कीजिए, सबसे पहले आप इसको ऐसे कीजिएगा और ये लगानी है, ये वाला है इसका बैटरी, बैटरी उठा के थोड़ा पीछे ऐसे ही लगाइए दोस्तों, उसको पकड़ के रखिएगा। और उसके बाद बटन की जगह, अगर आपके बटन नहीं लगे हुए हैं इसको, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये काविये का जो होता है ये जो दोस्तों, ये वाला जो ट्वीज़र होता है, ये वाला ट्वीज़र, ये दोनों एक ये है पावर बटन इसका, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यह पावर बटन आपने एक सेंटर वाले पॉइंट पे पॉइंट करना है और दूसरा दोनों एक साथ दबा के रखने हैं और यहाँ से आपको पता चलेगा दोस्तों। ये देखिए दैट्स इट, हमारा फ़ोन चल गया, डिस्प्ले ठीक ठाक लग गया दोस्तों। अब हम इसको फ़िलहाल फ्लाइट मोड जो है वो ऑफ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमारा डिस्प्ले हो गया रेडी, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको लगाते हैं अब बटन, ठीक है जी। ये आगे बटन स्ट्रिप और यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ। ये जो होते हैं इसको बटन कैसे लगाए जाते हैं वो देखिएगा दोस्तों, ए टू जेड दिखाऊंगा दोस्तों, ए टू जेड। आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको पूरे कैमरा ख़रीदूंगा दोस्तों, सबसे पहले HD DSLR कैमरा, उसमें आपको मैं क्लीन दिखाऊँगा। फिलहाल आप मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, चैनल मेरा थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, जो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है आप शेयर कीजिए जितना हो सके वीडियो को। तो फिलहाल मेरा यूट्यूब का मोनेटाइजेशन अभी एनेबल नहीं हुआ है, मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट पूरा बेसिक वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा दोस्तों हर एक चीज़। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको ये बटन जो इसके हैं ये वाले रखने हैं, वो कैसे करना है ये देखिए। यहाँ पर भी एक साइड है, एक ही साइड ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये इसके बराबर लगा देने आपके बटन बराबर हो जाएंगे। बहुत इजी मेथड है ये बटन लगाने का, इसका आपको होल के ऊपर ये रखने हैं, इसके होल के ऊपर होल लगाना है, बाकी बटन ये देखें दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इसको लगाने में, बिल्कुल परफेक्ट लग गए हैं वापस, कोई इधर उधर नहीं हुआ कोई बटन का नहीं। अब जब आप बंद करेंगे फ़ोन को, सबसे पहले आप इसका ये उठा दीजिए, ठीक है जी, ये उठा दिया साइड कर दो। अब हमारी बारी आती है इसको वापस बंद करने की, वापस कैसे बंद किया जाता है ये गौर से देखिएगा। ये इसका वापस जो बैक साइड का ढक्कन है वो है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है,
आपने इसको लगा देना है ऐसे। ये लगा दिया मैंने इसको ऐसे दोस्तों। ये एक घंटे का फुल ट्यूटोरियल है दोस्तों, मैक्सिमम फ़ोन्स के रिलेटेड मैं आपको इसमें बता के जाऊंगा दोस्तों, ये वादा रहा आपके साथ, मैक्सिमम फ़ोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा आप कॉन्सेप्ट लेना है मेरा इस चीज़ से, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं सब कुछ आपको बताऊँगा दोस्तों। ये एक घंटे का ट्यूटोरियल है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको दिखाऊंगा दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ कहाँ काम आती है और कैसे। आपने जब इसको बंद करना है वैसे ही मैंने जैसे आपको दिखाया, पीछे एक हाथ रखना है आपने और इसको यहाँ पे रख के ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना है इसको, ये जो लेयर है इसको बाहर की तरफ हो, इसको प्रेस करना है ऊपर से, बस ये देखें ये बंद हो गया, ठीक है दोस्तों। अब माइक अच्छे से बिठा लिया, डिस्प्ले भी अच्छे से बिठा लिया, नेटवर्क, ये ब्लूटूथ वायर है, इसको भी आपने अच्छे से इस तरह से अंदर करके सीधा करके यहाँ पे लगा दें, ताकि ये जब बंद करें हम इसकी ऊपर से ऊपर वाला जो बटन वाला हिस्सा है जब बंद करें उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों कैमरा सेक्टर की और इसकी, ठीक है जी। अब ये हमने ऐसे ऊपर रखा, अब ये आसानी से बंद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। अब फिर वापस से डिस्प्ले को ऐसे कर दीजिए, ठीक, और उसके बाद ये इसके बटन हैं, ये बड़े ध्यान से लगाना, थोड़ा सफाई कर देते हैं इसको, और उसके बाद ये हमने लगाया और ये होगी ग्रिप बंद, कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम इसको पेच वापस से बंद करते हैं, ठीक है जी, ये हो गए पेच वापस से बंद, ये हो गए पेच वापस से बंद, ये देखिए दोस्तों वो पेज अच्छे से क्लोज कर लेता हूँ पहले से, तो आपके सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है दोस्तों। मेरा चैनल जो है ये अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसको मैं कर देता हूँ बंद और एक एक चीज़ मैं रखता जाता हूँ साइड पे, जो जो रिपेयर मैंने करके रखा है वो रखता हूँ साइड पे। अब मैं आपको एक बार फिर से ऑन करके दिखा देता हूँ फ़ोन को, देखिएगा दोस्तों बैटरी शायद सही से नहीं लगी है, आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है दोस्तों, बैटरी का, या फिर बैटरी लो होती है या फिर सही से लगती नहीं है। ये देखिए बैटरी सही से नहीं लगी थी, अब ऑन हो गया अच्छे से, इसको फ्लाइट मोड हम कर देते हैं, आप ये देखें दोस्तों ग्राफिक कितने बढ़िया आ रहे हैं दोस्तों। मैं इसको करता हूँ फिलहाल स्विच ऑफ क्योंकि बैटरी लो है कस्टमर की, सॉरी कस्टमर के फ़ोन की बैटरी लो है, कस्टमर की तो लो नहीं हो सकती है। अब बारी आती है दोस्तों किस चीज़ की, अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई ऐसा फ़ोन जिसमें स्क्रीन वगैरह टूटी होगी, तो जिसमें स्क्रीन वगैरह टूटी रहती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमें लाइट यहाँ पर चली गई, मैं फ़िलहाल फ्लैश मोबाइल का ऑन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वाला फ़ोन है, इसकी मोबाइल स्क्रीन टोटल टूटी हुई है दोस्तों। ये रियलमी का है, ठीक है ना, ये रियलमी का फ़ोन है, रियलमी मेरे ख्याल से रियलमी C2 है शायद, या कोई भी हो रियलमी का मॉडल आपको पता चल जाएगा। आपने इसको पहले खोलना कैसे, सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने एक इजेक्टर उठाना है जिससे सिम निकालते हैं, सबसे पहले आपने इजेक्टर उठा के सिम निकाल देनी है, ये है सिम का इजेक्टर, ठीक है दोस्तों। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे करता हूँ पहले लाइट अच्छे से ऑन दोस्तों, क्योंकि लाइट का ड्रामा है यहाँ पे हमारे इलाके में, लाइट चली जाती है बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। ये लो तो लाइट भी आ गई, तो ये वाला फ़ोन मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला फ़ोन रियलमी का है दोस्तों। आपने कैसे बनाना है, ये वाला इजेक्टर है,
ठीक है जी, ये इजेक्टर उठाओ, ये सिम कार्ड यहाँ से निकालो साइड से, ठीक है, ये निकालो, ये सिम कार्ड निकाल दिया, ये रखो साइड में। अब यहाँ पे सिम कार्ड की जगह आपने क्या करना है, इसको नाखून घुसाना है सिम कार्ड के सामने, और ऐसे करके आपने इसको खोलने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों, ऐसे, ठीक, ये ऐसे एक एक साइड से ऐसे, और इसके बाद यहाँ पे आपने इसको ग्रिप इसकी खोल देनी। कोई फ़ोन होता है जिसको बैक पैनल जो है पेच होते हैं पीछे की तरफ से, बैक पैनल जो होता है उसको ढक्कन होता है, तो वो आपको सेपरेटर मशीन पर रख के खोलना होता है दोस्तों। वो सेपरेटर मशीन वो क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो इसका ख्याल रखना दोस्तों। एक बटन होता है इसका साइड में, ये गिर ना जाए कहीं, ये वाला बटन। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे रख देता हूँ, ये देख सकते हैं ये है फ़ोन, ये रियलमी और ओप्पो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, रियलमी और ओप्पो एक ही फ़ोन होता है, ये ब्रांड अलग अलग है सिर्फ, बाकी कंपनी इनकी एक है, सब चीज़ एक है दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रखिए हमेशा। और सबसे पहले आपको अगर फोल्डर का काम करना है इस वाले फ़ोन को, रियलमी, ये जो है रियलमी 2 है ये दोस्तों, तो आपने सबसे पहले इसके ये वाले स्क्रू खोल देने, ऊपर वाली जगह के, नीचे की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे जब जैक वगैरह कोई ख़राब होता है तब हम खोलते हैं। अगर जैक लगाना है इस फ़ोन को तो आपने नीचे से पेज खोलने हैं, अगर बैटरी वगैरह रिमूव करनी है या फिर स्क्रीन लगानी है या फिर मदरबोर्ड के ऊपर कोई काम करना है, मदरबोर्ड इसका ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, उसके लिए हम पहले इसके पेज ओपन करेंगे, ये वाले, बड़े ध्यान से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास कस्टमर फ़ोन लेके आए और आप उठो तो उसको मतलब जल्दबाजी में काम अपना ख़राब कर दो, तो वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, मत जल्दबाजी में किसी के पत्ते काट दो फ़ोन के, तो बाद में बड़ा बकवास होता है कस्टमर के साथ, इसलिए वीडियो अच्छे से देखना, मैं आपको इसीलिए अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से समझा रहा हूँ इसीलिए दोस्तों, ठीक है ना। ये वाला पेज मैं पेज इसके खोल लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर वाले बटन पे शेयर पे क्लिक करके शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए दोस्तों, ठीक है ना, जो आपकी मुकद्दर में होगा फिर आप वो कमाओगे, जो उस अपने दोस्त की मुकद्दर में होगा वो अपनी मुकद्दर का कमाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ नहीं सोचना कि एक मैं ही सीख के रिपेयरिंग वाला बन जाऊं, दूसरे को नहीं सीखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ये मैं सोचता तो मैं यूट्यूब पे कभी इस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं सिखाता दोस्तों, क्योंकि मैं वो बंदा हूं, मैं ये चीज़ मानता हूं कि मुकद्दर अपना अपना होता है, जो जिसके मुकद्दर में होता है वो उसको मिल के रहता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपको ऐसे जब उठाओगे यहाँ से निकालना है, ठीक है, ये वाली जगह यहाँ से, ये होगी साइड, ठीक है, अब इसको हम इसे निकाल के इधर रख देते हैं। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है जी, सबसे पहले ये वाला हो गया बैटरी का कनेक्टर, ये वाला हो गया किसका दोस्तों, डिस्प्ले का, ये वाला है, सॉरी डिस्प्ले का ये वाला है, और ये वाला है यहाँ पे चार्जिंग सप्लाई जो जाती है बैटरी के नीचे से, पता वो वाला है, ठीक है जी। अब आपको जब अगर इसका डिस्प्ले निकालना है, सबसे पहले आपको बैटरी उठानी है यहाँ से, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वाली बैटरी का क्लिप होता है, ये वाला आपने ये हटा देना है, और यहाँ पे बैटरी निकालने के लिए ओप्पो की ये सबसे बढ़िया खास बात मुझे ये लगती है कि ये बैटरी उठाने के लिए आपको ये जगह देते हैं, ये यहाँ पे इसको निकालने के लिए। अब आप कैसे निकालोगे, जब पहले बैटरी का पता आपने उठा दिया, उसके बाद आप इसको ऐसे उठाओगे दोस्तों, ऐसे ऊपर की तरफ खींच के उठाओगे, तो दोस्तों ये देखो, ये मेरा कर दिया इसने कारनामा तमाम, क्योंकि मैंने बड़ा विश्वास से इसका बोला था, लेकिन हरामजादों ने काम तमाम कर दिया। अब ये ऐसे निकलेगी नहीं, अब आपको कैसे निकालनी है ये बैटरी, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों आपको क्या करना है। अगर ऐसा लिक्विड है आपके पास दोस्तों, इसको बोलते हैं हम ग्लू रिमूवर लिक्विड, आपने क्या करना है, इसको साइड में एक तो नीचे की तरफ डाल दो थोड़ा सा, अगर आपको डिस्प्ले का काम करना है इस पर तो ही डालना, अगर डिस्प्ले इस फोन का ठीक है तो नहीं डालना दोस्तों, बैटरी निकालने के लिए कोई और सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर डिस्प्ले के अंदर ये वाला लिक्विड चला गया तो डिस्प्ले पूरा तबाह हो जाता है। ये डिस्प्ले ऑलरेडी ख़राब है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना, कोई भी चीज़ आप मिस कर जाओगे तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है खराब, इसलिए मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अब ट्वीज़र, ठीक है जी, ये ट्वीज़र है इसका, यहाँ पर ऐसे भी मत लगाना सीधा कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हाथ के साथ इस तरह करूँगा ताकि वाइब्रेट जैसा हो जाए फ़ोन, तो ये इसके नीचे घुस जाए ये वाला जो लिक्विड है, ठीक है ना। अब मैं इसको बारीक बारीकी से थोड़ा थोड़ा उठाने की कोशिश करूँगा, ये मैंने साइड में इसके फिर से डाल दिया दोस्तों ये वाला ग्लू, ठीक है जी,
अब मैं इसको कोशिश करूँगा, कोई शीट आपके पास जो घर में पुराने एक्सरे पड़े रहते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के एक्सरे होते हैं, अगर वो है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो 11D ग्लास जो होता है दोस्तों, 11D ग्लास वगैरह की, ये जो ये टेम्पर्ड की शीट जो आती है ये सबसे बेस्ट थी, ये वाली, ये देखें ये पतली शीट। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाली शीट बैटरी के एक साइड से आपने घुसा देनी है, ठीक है दोस्तों, बड़े बारीकी से दोस्तों, ये देखना मैंने आपको पहले ही बोला कि बारीक काम है, बारीकी से ही होगा। तो आपने इसको ऐसे लगा के निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है जी, ये देखें मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कैसे निकलेगा जी। आपको तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके डिस्प्ले वगैरह अगर सही सलामत है तो उसमें मैंने आपको शुरू में दिखा दिया कि आपको क्या करना है, ठीक है जी। अब ये वाला मैंने इसको ऐसे निकाल दिया, ठीक है, अब मैं इधर की तरफ चलता हूँ। इसको डबल साइड से होती है दोस्तों, ये ग्लू जो होता है ये चिपकी होती है बैटरी अंदर ग्लू ग्लू के साथ। तो ये देखें ये होता है नीचे का सेक्टर इसका, ठीक है, अब मैंने बैटरी इसकी यहाँ से निकाल दी, दैट्स इट, निकल गई बैटरी, डाल दो इसको इसमें। अब उसके बाद यहाँ पे एक और पॉलीथिन लेयर है, ये पॉलीथिन लेयर आपको उठानी है क्योंकि नीचे पत्ते हैं सारे, ये पॉलीथिन लेयर उठा के आप फेंक भी सकते हो, मैं इसको डस्टबिन में फेंक देता हूँ, ये फेंक दी। अब देखिए दोस्तों गौर से देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये है, ये वाला जो पत्ता जा रहा है ये यहाँ पे नीचे जैक है, स्पीकर है, हर चीज़ की सप्लाई यहाँ से बोर्ड की तरफ जाती है और ये यहाँ पे लगता है इधर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इधर लगता है, हमें क्योंकि ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पत्ता लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसका सारा काम होता है, इसको डैमेज से हमेशा बचाइएगा दोस्तों। और ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो आधा यहाँ से दिख रहा है आपको, ये असल में डिस्प्ले का पत्ता है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको यहाँ से, ये एक्चुअल में डिस्प्ले का पता है, आपको यहाँ से सिंपली इसको थोड़ा सा इधर ऊपर की तरफ ट्वीज़र के साथ उठा देना है, ये निकला है बाहर। अब आपको क्या करना है, इसको इस साइड को मशीन के ऊपर रख के गर्म करके निकालना है, तो ये किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको मशीन के ऊपर कैसे गर्म करके निकालना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। ये देखें दोस्तों बिल्कुल ईजी तरीके से डिस्प्ले बाहर हो गया, और ये है फ़ोन के ऊपर, ये भी डिस्प्ले का हिस्सा है, ये भी मैं निकाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वाला डिस्प्ले। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये फोल्डर है ये देख लें आप, इसका ये फोल्डर है, ऐसे ही फोल्डर उठाना है इसको दोस्तों। दो किस्म के फोल्डर आते हैं, ओप्पो A3S का भी आ जाता है दोस्तों, तो मैं आपको इसको फोल्डर फ़िलहाल चेक करा देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये फोल्डर इसको ऐसे लगाना है यहाँ पर, ठीक है, फ़िलहाल ऐसे बिठाना है, ये देखें दोस्तों फिटिंग बराबर है, हर चीज़ बराबर है। अब यहाँ से आपको लगा देना है इसको ग्रिप अच्छे से इसकी, इस जगह पे ये ग्रिप लग गई दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको बैटरी थोड़ी सी ऊपर से लगा देते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, ये इसकी लगा दी बैटरी, और यहाँ से इसको आप प्रेस करके रखें क्योंकि बटन इसको नीचे से जाके लगता है, यहाँ से प्रेस करना है आपने, और इसके बाद यहाँ पे इसको आपने बटन दबा के चेक करना है, ये देखें अब ये फ़िलहाल चार्जिंग लॉक शो कर रहा है दोस्तों। अब मैं फ़िलहाल इसको पहले लगाता हूँ चार्ज पे, ठीक है जी, मैं इसको चार्ज लगा के पहले चेक करता हूँ दोस्तों, चार्जेस का लो है दोस्तों, मैं चार्जिंग इसको चेक कर लूँगा। फिलहाल मैंने आपको ये फ़िलहाल इसका बता दी, ये फोल्डर प्रोसीजर है इसका। इसी तरह से आपने क्या करना है, जब इसको फोल्डर यहाँ पे बैटरी उठा देनी है बाहर, या फोल्डर आपको लगाना होगा स्क्रीन इसके ऊपर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो है यहाँ पर ये साइड हैं इसके, ये कॉर्नर टू कॉर्नर, ये आपको अच्छे से सफाई कर लेना है किसी चीज़ से, जैसे ये बीच में ये कांच वगैरह एक ज़रा भी ये वाला कांच नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये सफाई अच्छे से करें ताकि फोल्डर अच्छे से बैठ जाए। तो इस मोबाइल का रख देते हैं फ़िलहाल साइड में, ये फोल्डर कैसे लगाया जाता है वो भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पहले आप मुझे इस वीडियो में अप्रिशिएट अगर आप करते हैं दोस्तों, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो क्वालिटी जो होगी वो बहुत बढ़िया होगी, ठीक है जी। अब आओगे ये दो फ़ोन हमारे एक तरफ,
एक ये फ़ोन था और एक ये फ़ोन था। आगे दोनों दोस्तों ये रख देते हैं फिलहाल साइड में। अब बारी आती है किसी और फ़ोन की दोस्तों, मैं फ़िलहाल ढूंढता हूँ कोई और फ़ोन भी आया मेरे पास। अब जैसा अब फोल्डरों के रिलेटेड थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों, जैसे ये वाला फोल्डर है वीवो V15 का दोस्तों, ये कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला फोल्डर है वीवो V15 का, ये मोबाइल स्क्रीन होती है, टाई डिस्प्ले एक साथ होता है दोस्तों। ये देखें आप, ये वाली स्क्रीन है इसकी, ये वीवो V15 का पता है, ये आप अच्छे से पहचान के रखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों क्वालिटी देखिए, नंबर वन क्वालिटी है इसकी, ठीक है। यह नंबर वन क्वालिटी दोस्तों, तो फोल्डरों के रिलेटेड अगर वीडियो बनाना होगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं फोल्डरों के रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आपको दिखाऊँ इसमें पूरी डिटेल, तो मुझे कंप्लीट ज़रूर बताइएगा आप अपने राय कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके लिए फोल्डरों के रिलेटेड भी वीडियो बना सकूँ दोस्तों। फ़िलहाल मैं करता हूँ इसको क्लोज। अब रिपेयरिंग में एक और चीज़ होती है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या होता है। रिपेयरिंग में एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें जिसके बगैर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर नहीं सकते, वो होता है दोस्तों ये मल्टीमीटर। ये आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रेड में लगाना है, रेड इसमें लगाना है और ब्लैक इसमें लगाना है। तो आपको ये बजर मोड पे आपको सेट करना होता है, ये BUZZI लिखा हुआ, ये बजर मोड पे सेट करना होता है और उसके बाद आपको बीप करेगा साउंड। आप पहले चेक कीजिए अगर आपका मल्टीमीटर एक्टिव है, तो आपको कैसे चेक करना है, ये इसके आगे से होते हैं तारें, आपको यहाँ पे ऐसे आवाज़ देगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मोबाइल पार्ट्स पे शॉर्ट कैसे निकालने हैं इसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो बताऊँगा दोस्तों वीडियो में। इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मल्टी मीटर के रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके जो भी इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, वो भी मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा जैक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कौन सा जैक किस फ़ोन को लगता है। सबसे पहले दोस्तों ये वाला जो जैक है, ये वाले जैक होते हैं एमआई के फ़ोन्स के लिए। ये आपको मैं दिखाता हूँ किस किस फ़ोन को लगते हैं दोस्तों। ये वाला जैक होता है यूनिवर्सल, ठीक है। ये 5 पिन जैक होता है, आप देखें गौर से देखना दोस्तों इसको, ये होता है 5 पिन जैक, ये वाला। तो ये लगता है एमआई के नोट 5 प्रो एक, उसके बाद रेडमी 6 प्रो को भी लग जाता है दोस्तों, क्योंकि रेडमी 6 प्रो का एक अलग भी आता है, लेकिन आप इसको ये भी अल्टरनेट लगा सकते हो। ये लगते हैं 50 मॉडलों को दोस्तों ये वाला जैक, कम से कम खाली एम आई के नहीं बाकी भी कई फ़ोन्स को लगता है। तो बढ़िया बड़ा आसान जैक, एक तो लगाने में आसान और दिखाने में आसान है ये वाला जैक। ये मैं करता हूँ साइड पे, और उसके बाद आते हैं ये वाले जैक। ये वाले लगते हैं दोस्तों आइटल के फ़ोन को और नोकिया के फ़ोन को। ये वाला भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये वाला जैक है, ये वाला, ठीक है दोस्त। इसको आगे से लेग्स दो ही होती हैं दोस्तों, यहाँ पे पीछे लेग्स नहीं होती हैं नोकिया को। ये अल्टीमेट होता है, ये किसी भी छोटे फ़ोन को, कीपैड फ़ोन को ये वाला जैक आप लगा सकते हो। आप गौर से देखना, ये वाला जैक है दोस्तों, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला जैक। मैं इसको भी करता हूँ क्लोज। और इसके बाद आती है बारी दोस्तों किसकी, इसके बाद आती है दोस्तों ये वाला जैक, तो ये सेम ही आ गया दोस्तों। इसके बाद आती है ये टाइप सी का जैक दोस्तों, ये देखिएगा आप, ये वाला सैमसंग के कुछ मॉडल्स को लगता है ये टाइप सी होता है। इसकी जो लेग्स होती हैं दोस्तों, ये देखें, ये जो लेग्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं लेग्स इसको, ये वाले लेग्स, ये आगे से प्रिंट जो इसके हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको कम से कम 20 प्रिंट होते हैं दोस्तों।
ये होता है टाइप सी जैक, ये भी लगता है काफ़ी सारे सैमसंग के मॉडल्स को और एम आई के भी कुछ मॉडल्स को लगता है। तो ये भी कैसे लगाते हैं ये भी किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों ज़रूर। मैं आप मुझे सपोर्ट करें दोस्तों तो मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया हर चीज़ आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, और क्लियरिटी कैमरा क्लियरिटी के साथ। और ये वाला जो जैक है दोस्तों ये रेडमी नोट 5 को लगता है, ये वाला जैक आप गौर से देखिएगा, ये वाला रेडमी नोट 5 को लगता है दोस्तों ये वाला जैक। मैं आपको बाहर भी निकाल के दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला जैक है दोस्तों। जैक में दो किस्म होते हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक होता है ये वाला, एक उल्टा होता है पावा इसका और दूसरी तरफ से सीधा होता है। तो ये वाला नोट 5 का है दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए हीट देनी होती है क्योंकि इसको बीच में ये खुला होता है, इसका ओपन पार्ट होता है ये वाला साइड से एक दोनों तरफ से। तो यहाँ पर आपको हीट जो होती है ये इस सेक्टर में लेग की तरफ देनी होती है, ठीक है ना। तो बड़ा आसान होता है ये भी लगाना, ये भी कैसे लगाना है किसी, जब नोट 5 मेरे पास आएगा तो मैं इसकी फुल कंप्लीट वीडियो आपको दिखाऊंगा दोस्तों, उसमें कंप्लीट मतलब A to Z दिखाऊंगा कैसे आप इस जैक को लगा सकते हो। तो ये भी हो गया, और इसके बाद ये वाला जो जैक है ये भी नोट 5 प्रो को लगता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये वाले तो मैंने आपको दिखा दिए, इसके बाद आगे ये होते हैं दोस्तों माइक, ये हर एक फ़ोन का आप लगा सकते हो दोस्तों, कीपैड का कोई भी फ़ोन होगा, ये डबल लेग वाले ये माइक होते हैं, ये आप किसी भी फ़ोन को लगा सकते हो। ये भी रखता हूँ मैं साइड में। और इसके बाद ये वाले माइक हो गए दोस्तों, ये सैमसंग J2 को लगते हैं, ये डिजिटल माइक होते हैं, बहुत ही छोटा माइक होता है, बड़ी आराम से आपको लगाना होता है दोस्तों ये वाले माइक। तो इसके रिलेटेड भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ये भी रखो साइड में। और इसके बाद आती है बारी दोस्तों ये वाले टाइप सी के जैक की, ये वाला टाइप सी मैंने आपको दिखा दिया है और ये वाले भी दिखा दिए हैं दोस्तों, इनको भी रखते हैं साइड में। और इसके बाद बारी आती है इस वाले जैक की दोस्तों, ये आता है सैमसंग J2 को लगता है, सैमसंग J2 के साथ साथ और भी सैमसंग के कुछ मॉडलों को लगता है दोस्तों ये वाला जैक होता है दोस्तों। इसको होते हैं दोस्तों 3, 3, 6, 3 और 4, 7 प्रिंट होते हैं दोस्तों ये वाला जैक, गौर से देखिएगा ये वाला जैक है 7 प्रिंट वाला। तो इस साइड से ऐसे होता है, ये राउंड सर्कल में राउंड शेप में होता है, तो बड़े आसानी से लगता भी है और टफ भी है आसान भी है। अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो बड़ी आसानी है आपके लिए, अगर आप नहीं सीख पाते दोस्तों तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इन जो भी मैं आपको जैक दिखा रहा हूँ उसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाना कि आपको कौन से फ़ोन के जैक के लिए सबसे पहले आपको सीखने की आवश्यकता है। तो ये आपको दिखा देता हूँ, ये सैमसंग के हैं, ये सैमसंग के कुछ मॉडल्स हैं, यहाँ पे ये सैमसंग के कुछ मॉडल्स हैं, ये सैमसंग गुरु को लगता है दोस्तों ये वाला, ये बड़ा जैक होता है, ये भी बहुत आसान होता है लगाना दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा ज़रूर कि आपको इसमें कौन से फ़ोन का जैक का सबसे पहले सीखना है दोस्तों, तो मैं इसके बाद वही वीडियो सबसे पहले बनाऊंगा दोस्तों। ये वाला जैक है, ठीक है, ये बड़ा जैक होता है दोस्तों, सबसे बड़ा जैक होता है ये, आप गौर से देखें ये वाला जैक, ठीक है, ये वाला सबसे बड़ा जैक मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आती है बारी किसकी, ये वाला जैक करते हैं हम साइड में। और इसके बाद बारी आती है ये वाले हो गए दोस्तों वीवो के फ़ोन्स के जैक, वीवो Y12, Y15, V15, ये मैक्सिमम जिसको भी टाइप सी नहीं लगता है V8 लगता है उसको ये जैक लगता है दोस्तों, ये आप गौर से देखिएगा ये वाला जैक दोस्तों, ये डबल एयर जैक होता है, तो बहुत आसान होता है लगाना और ये डबल एयर होता है, आप देख सकते हैं ये डबल एयर होता है दोस्तों, ये बी टाइप है दोस्तों। अगर आप वीवो के जैक लगाना सीखना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा दोस्तों, इसको भी रखते हैं साइड में। अब आती है बारी आइटल के कुछ ऐसे मॉडल्स आते हैं जिनको ये जैक ज़रूर लगता है दोस्तों, मैं आपको उसके रिलेटेड बता देता हूँ। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो ये वाला जैक है दोस्तों, ये भी डबल एयर जैक होता है लेकिन ये लगता है MI के फ़ोन्स को, ये वाला दोस्तों ये डबल एयर है, MI रेडमी 6 प्रो को लगता है, रेडमी 6A को लगता है, रेडमी 7A को लगता है, 12 से 15 मॉडल्स को ये वाला जैक लगता है दोस्तों। ये आप देखें सबसे बढ़िया जैक है दोस्तों, ये लगाने में आसान और 100% ओरिजिनल जैक होता है दोस्तों ये वाला।
इसकी प्राइस या आपको इसके बारे में, प्राइस में आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा कैसे पड़ता है दोस्तों होलसेल में जैक, और आप लगाते हो कितने में लगा सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद ये आता है ओप्पो का, ओप्पो A3s का जैक, रियलमी 2 प्रो का जैक, ठीक है, ये वाला जैक दोस्तों। इसको जो ये जैक सबसे यूनिक होता है दोस्तों, क्योंकि इसको मतलब फ्रंट की तरफ इसकी लेग्स नहीं होती हैं, बल्कि ये आगे से ऐसे मतलब डाउन की तरफ होके जाता है दोस्तों, ये एल शेप में होता है दोस्तों, एल शेप में, ठीक है। ये देखें आप एल शेप में, गौर से देखें, ये वाले हैं इसके प्रिंट एल शेप में, ठीक है। तो ये वाला जैक होता है, आप अच्छे से देखिएगा, ये एल शेप में होता है। तो मैं इसको भी करता हूँ क्लोज, ये भी हो गया दोस्तों क्लोज। उसके बाद बारी आती है इस माइक की, ये जियो के माइक हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये वाले ये जियो के माइक हैं, फायर लेग्स वाले, ये 4 लेग्स आ गई ये इसकी और 5वीं आ गई ये भी। कैसे लगाते हैं जियो फोन्स को मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वीडियो किसी में। और इसके बाद आती है ये वाले जैक की बारी, ये लेग्स वाला जैक है दोस्तों, ये आइटल के कुछ मॉडल्स को लगता है, ये 4 लेग्स होती हैं, 2 लेग्स वाला नहीं है दोस्तों, ये आ गया 4 लेग्स वाला जैक, ये वाला दोस्तों, ये इसको आगे से ऐसे होता है, आप देखिए गौर से, ये भी कैसे लगाना है ये भी मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं। ये आइटल के जो आइटल के मॉडल्स आते हैं दोस्तों, जैसे आ गया आइटल 9210 हुआ, उसको भी यही लगता है, और आइटल 2163 उसको भी यही लगता है, 2192 को भी लगता है, आइटल एस को लगता है, काफ़ी सारे मॉडलों को लगता है यार। तो ये भी आपको मैंने दिखा दिया दोस्तों। और इसके बाद आती है बारी दोस्तों कौन सा जैक है, और इसके बाद आती है बारी ये वाले जैक की। तो दोस्तों ये जो जैक है ये वाला, ये वीवो Y55S और जो ओल्ड मॉडल वीवो के आते थे उनके लिए लगता है ये। इसको होता है दोस्तों पेज जहाँ पे लगते हैं, जो सिक्रू लगते हैं उसके लिए भी जगह इन्होंने दे के रखी है, ये वाला जैक है दोस्तों ये ओप्पो A37 को भी यही जैक लगता है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए इसको, ये वाला जैक है, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला जैक है दोस्तों, ये भी बी टाइप होता है, आप देखिए ये बी टाइप है जैक, ठीक है। इस साइड से कैसा है ये भी देख लीजिए, ठीक है, इस साइड से कैसा है ये भी देख लीजिए, ठीक है जी दोस्तों। अब हम कर देते हैं इसको भी क्लोज, ये भी आ गया उसमें। अब बारी आती है जी रेडमी 9A के जैक की। तो दोस्तों ये वाला जैक लगता है, ये होता है वीवो के जैक की तरह, लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है उससे साइज़ में। तो ये वाला रेडमी 9A को लगता है दोस्तों, ये वाला जैक, अब जैसे रेडमी 9A ये यही जैक लगता है। ये रेडमी 9 का मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, रेडमी 9 को कैसे लगता है, ठीक है। और इसको भी रखते हैं फिलहाल साइड में, ये भी आ गया साइड में। अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों A4 जैक आता है एक किस्म का, तो मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, ये डब्बा है मेरे पास, मैं इसमें से ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों छोड़िए, इसका काम हो गया तमाम जैक का। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रिप्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो चार्जिंग स्ट्रिप्स होती हैं MI के कुछ मॉडल्स हैं उनके मैं स्ट्रिप्स आपको दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको ये फोल्ड कर लेता हूँ डब्बे में, ठीक है ना, फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ फोल्ड,
डब्बा मैंने लाया स्ट्रिप्स का दोस्तों, मैं इसको थोड़ा साइड रख के आपको दिखाता हूँ दोस्तों एक एक स्ट्रिप करके, ठीक है। ये वीवो Y80 3 की स्ट्रिप आती है, ये वीवो आप देख सकते हैं इस पर मॉडल लिखा है वीवो Y80 3, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रिप होती है दोस्तों वीवो Y80 3 की, ये चार्जिंग स्ट्रिप होती है। इसमें आपको जैक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि सीधा एक उठाना है, यहाँ पे क्लिप होता है इसको लगा देना है ये वाला, ठीक है जी। ये ऐसी होती है दोस्तों, इसको रखते हैं फोल्ड। और इसके बाद Y93 की आती है, Y95 की आती है, तो ऐसी होती है दोस्तों ये सेम। और ये आ गई Redmi 7A की स्ट्रिप दोस्तों, Redmi 6A की और 7A की। और ये आ गया Redmi 8A की स्ट्रिप, ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ देखें दोस्तों। ये होती है चार्जिंग स्ट्रिप Redmi 8A 8A Dual, Redmi 8 तीनों को लगती है दोस्तों। ये टाइप सी जैक होता है इसमें, ये जैक वहीं से लगा हुआ आता है, ठीक है जी। इसको भी रखते हैं साइड में। और इसके बाद ये आ गई Redmi Note 9 की, ये आ गई Redmi Note 9 की स्ट्रिप दोस्तों ये वाली, ठीक है जी। अच्छे से देखिएगा इसको, ये वाली Redmi Note 9 की स्ट्रिप, ठीक है जी। इसको भी करते हैं क्लोज है। और ये वाली है Redmi 6 Pro की स्ट्रिप। और इसके बाद आ गई दोस्तों Note 9 भी आ गया, ये Redmi 9A की स्ट्रिप है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ 9A की, ये वाली 9A की स्ट्रिप है, ये देख सकते हैं आप। मैंने जो जैक आपको दिखाया था वही वाला जैक आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला जैक, ठीक है ना, यही जैक इसको लगता है। ये माइक है इसका, बाकी सेक्टर हैं। और ये Realme 2 की है दोस्तों, Realme 2 Pro को जो फ़ोन हमने खोला था पहले, जिसका हम फोल्डर लगा रहे थे, ये उसी की है दोस्तों। ये देखें, ये वाली आती है Realme 2 Pro की, ठीक है जी। दैट्स इट। अब मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी दोस्तों, फ़िलहाल ये थोड़ा बेसिक्स थे हमें रिपेयरिंग के रिलेटेड। मैं अभी प्रोफेशनली तरीके से वीडियो नहीं बनाया दोस्तों, फ़िलहाल फिर भी आपके बेसिक्स जो आपके नीड हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत जो सिखाया है, तो उम्मीद है ये वीडियो जो है आपके बड़े काम आएगा दोस्तों। जैसे सबसे पहले बेसिक मैंने आपको इसका जैक लगाना सिखा दिया दोस्तों, अगर आपको इसमें समझ नहीं आया है वीडियो में तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में और फिर से किसी डिटेल वीडियो में बना के आपको सिखा दूँगा दोस्तों, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा इसके लिए वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और आप हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि ये जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स जो आपको मैंने सिखाया, बेसिक जो रिपेयरिंग के हैं वो आपको दिखाया है, कि आपको पसंद आया या नहीं आया, आपको समझ नहीं आया तो हमें बताएँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा दोस्तों, और DSLR कैमरे के साथ शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। आप अप्रिशिएट करेंगे हमें तो हम आगे आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है, हमें कोई इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, तो आपके अप्रिशिएट करना आपका बहुत ज़रूरी है हमारे लिए दोस्तों। तो हमें सपोर्ट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गुड बाय।